हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमा प्रदीप कुमार और आज मैं बात करूंगा आईटीआई लिमिटेड में वैकेंसी जो आई हुई है, जिसका कॉरपोरेट ऑफिस तो गोंडा में यूपी में है, बट जो रिक्रूटमेंट आई है इनके ब्रांचेस जो रांची झारखंड और भुवनेश्वर उड़ीसा में है, वहाँ पे इन्हें फाइनेंस मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, जो कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है जहाँ पे यहाँ पे 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। और यहाँ पे देखें तो 2 तरह की वैकेंसीज आई हुई हैं। लोकेशन जैसा कि पहले ही बताया मैंने, रांची झारखंड, भुवनेश्वर उड़ीसा। तो झारखंड में जो वैकेंसी आया है, फाइनेंस मैनेजर की एक पोस्ट है जहाँ पे क्वालिफिकेशन CA ICWA MBA फाइनेंस, और भुवनेश्वर में फाइनेंस स्पेशलिस्ट की वैकेंसी है एक, जिसमें CA एंड CMA की रिक्वायरमेंट है ओनली। एज की बात करें तो एज में 45 ईयर रांची के लिए एंड 50 ईयर फॉर भुवनेश्वर के लिए। और जो एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगी गई है, 5 ईयर मांगा गया फाइनेंस मैनेजर के लिए एंड 10 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया फाइनेंस स्पेशलिस्ट के लिए। तो आपके पास अगर इतनी एक्सपीरियंस है और आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं जॉब करने के लिए फॉर 2 ईयर कॉन्ट्रेक्चुअल, तो आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। रेमुनरेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं 45,000 पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग, एंड हियर 65,000 पर मंथ ऑल इंक्लूसिव। देन यहाँ पे 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है आपके SC ST कैंडिडेट्स के लिए। एंड फर्स्ट यहाँ पे है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट में प्लीज़ डाउनलोड द एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आप इनके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वर्ड फाइल है जिसे आप फिल करना है और उसे सेंड करना है इस एड्रेस पे दिए हुए। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सेंड करने की, वो है 17/6/2019। तो आप द HR हेड ITI लिमिटेड मनकापुर डिस्ट्रिक्ट गोंडा UP में सेंड करना है आपको एप्लीकेशन। एंड जो सेलेक्शन प्रोसेस है वो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू है। आप जो एप्लीकेशन सेंड करेंगे उसका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको कॉल लेटर दिया जाएगा और वो इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल, यानी आपके जो जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उन सब के डॉक्यूमेंट कॉपी आपको लगाने हैं, एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ अटैच करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, और उसके साथ 4 रिसेंट आपको फोटोग्राफ्स अटैच करके भेजने हैं। और आपको DD या एप्लीकेशन फ़ीस जो पे करनी है, DD या IPO ETC के थ्रू कर सकते हैं, और उसको आपको एप्लीकेशन के साथ अटैच करके ही भेजना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका मस्ट है, यहाँ पे उसको देना ही देना है। और यहाँ पे है एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 200 है थ्रू IPO और इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू। IPO का मतलब आप दे सकते हैं एंड DD के थ्रू भी आप दे सकते हैं। ITI लिमिटेड पेबल एट मनकापुर के नाम से आपको बनाना है। फिर यहाँ पे 6 नंबर में बात करें तो आपको जो भी हो आप कैंडिडेट होंगे वो बाई ईमेल आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और यहाँ पे स्क्रीनिंग फॉर कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन प्रेफरेंस इन ऑर्डर। ऑर्डर आपका जो बताया गया CA ICWA एंड MBA फाइनेंस, तो आपका जो कैंडिडेटर सेलेक्ट करेंगे वो पहले प्रेफरेंस CA को देंगे, देन ICWA एंड देन MBA फाइनेंस को दिया जाएगा। तो इस तरीके से वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे एंड शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। और उसके बाद आपको रिएम्बर्समेंट जो भी कैंडिडेट्स होंगे, यहाँ पे SC ST OBC या जनरल वेरीफिकेशन नहीं है, जो भी कैंडिडेट अटेंड करने जाएंगे आपका कॉरपोरेट ऑफिस में इंटरव्यू, उन्हें 2nd AC तक का फेयर टू एंड फ्रॉम यानी आने और जाने का मिल जाएगा। डाउनलोड किया है ITI लिमिटेड के वेबसाइट से, और इसे आप चाहें तो वर्ड में ही टाइप करके फिल कर सकते हैं एंड प्रिंट करके उसको भेज सकते हैं, या फिर आप इसको प्रिंट करने के बाद भी फिल कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। तो ये पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल अपनी देनी है, इन्फॉर्मेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, आपका सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट जो भी है वो लगाने हैं अगर आपके पास है तो, देन आपका मेलिंग एड्रेस यानी अभी आप जहाँ पे हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, ये सारी डिटेल आपको देनी है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, वो सारे देने के बाद आपको फॉर्म फिल करना है, DD लगानी है और सेंड कर देना है 19 जून से पहले पहले। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटा दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए यहाँ पे आई बार में आपको मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा।